from the land of Mahatma Gandhi, where every prayer ends with the call for Shanti, that is peace for all. I convey our best wishes. एक तरफ देश में जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी के इंतजार में देश भर में जश्न मनाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ अबू धाबी में मुस्लिम देशों के इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मोदी सरकार की धारदार कूटनीति से बगैर नाम लिए पाकिस्तान की बखिया उधेड़ रही थी। We are witnessing the terrible daily destruction in senseless terrorist violence. It is destroying lives, destabilizing regions and putting the world at great peril. The reach of terror is growing. Its lethality is increasing and the toll it is taking is rising. OIC के मंच पर सुषमा ने जोर देकर कहा कि आतंकवाद की लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। उन्होंने ऋग्वेद का हवाला भी दिया और कहा कि भगवान एक हैं और सभी धर्मों का मतलब है शांति। The fight against terrorism is not a confrontation against any religion. It cannot be. Just as Islam literally means peace, none of the 99 names of Allah mean violence. Similarly, every region in the world stands for peace, compassion and brotherhood. OIC की मीटिंग में भारत को बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर न्योता भेजा गया था। इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान मीटिंग से सुषमा को बाहर करवाने को नाक का सवाल बना लिया था। सुषमा को बाहर रखने की मांग जब खारिज हुई तो पाकिस्तान ने बैठक का बहिष्कार करने की धमकी दे दी, लेकिन सऊदी अरब ने पाकिस्तान की धमकी के आगे झुकने से इनकार कर दिया और अपना चेहरा बचाने के लिए पाकिस्तान को ही बैठक से बाहर होना पड़ा। मीटिंग की एक खाली कुर्सी पाकिस्तान की ही है। पाकिस्तान अपनी कूटनीतिक हार से किस कदर तिलमिलाया हुआ है, ये नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान से भी साफ झलक रहा है। इस मुकद्दस ऐवान के सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट करते हुए मैंने लिखा, इन द लाइट ऑफ दिस डिसीजन आई रिटर्नेट माय रिक्वेस्ट टू रिसेंड द इनविटेशन टू इंडिया। It should not happen. और अगर वो ऐसा करते हैं, I will not be in a position to participate in the conference. साफ है, पाकिस्तान की झूठ का बुलबुला फूट चुका है। वो पूरी दुनिया में अपनी हरकतों से बदनाम हो चुका है। जिस संगठन का वो संस्थापक सदस्य था, उसी संगठन में उसे बैठने की जगह नहीं मिली।